हेलो गाइस, वेलकम टू गैरेज ऑफिशियल। और आज आपके लिए लेके आया हूँ TVS Jupiter ZX वेरिएंट का एक डिटेल राइड रिव्यू, जहाँ पे हम बात करेंगे इसकी राइडेबिलिटी कैसी है, चलाने में कैसी है, क्या माइलेज देगी और सस्पेंशन कैसे हैं। मैं अभी आया हूँ ज्योति TVS में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो डोंबिवली में सिचुएटेड है। कोई भी TVS की बाइक्स या स्कूटर्स आपको ख़रीदनी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी बात करते हैं इस स्कूटर के बारे में। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्कूटर फ्रॉम द TVS लाइनअप आफ्टर द एक्टिवा। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकी जाती है ये स्कूटर एंड इसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगती है। एंड ये जो ZX वेरिएंट है स्पेशली एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ज़रूर बन जाता है। बात करूँगा इसकी डिज़ाइन के बारे में तो लुक एट द हेडलाइट्स, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये आपको LED हेडलाइट यूनिट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये जो क्रोम के स्ट्रिप दिए गए अराउंड इट, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं मुझे। स्पेशली इफ़ आई टेल यू, रात के टाइम पे भी इसकी विजिबिलिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ये जो आपको हेड पैनल है, ये आपको फाइबर का देखने को मिलता है, बट इट इज़ वेरी स्टडी। प्लास्टिक एंड फाइबर मटेरियल जो यूज़ किए गए हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़े चीप क्वालिटी के हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किए गए हैं। जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको TVS देखने को मिल जाएगा, जो सेंटर में इसकी बैजिंग दी गई है। जो इसका एप्रन है वो भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी स्टर्डी स्कूटर, आपको रैटलिंग नॉइज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। नाउ दिस चेकआउट दिस लाइट्स, जो आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, बहुत ही शार्प डिज़ाइन देखने को मिलता है, बहुत ही क्लासी एंड स्लिक डिज़ाइन दिया गया है। देख लीजिए सामने से हैलोजन बल्ब ही देखने को मिलेगा, यू वोंट गेट एनी LED ओवर हियर, बट यहाँ पे आपको ये क्रोम की स्ट्रिप दी गई है एंड ये जो स्लिक डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे एक छोटा सा वेंट देखने को मिल जाएगा, ये देख लीजिए, बेसिकली यहाँ पे बैटरी होती है उसको कूलिंग के लिए यहाँ से वेंट दिया गया है। यहाँ पे नीचे जो मडगार्ड देखने को मिलता है ये मेटल का दिया गया है, विच इज़ रियली गुड थिंग। बात करूँ इसकी टायर साइज़ की तो आपको 12 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ में देखने को मिलते हैं एंड ये बहुत ही बढ़िया टायर्स है। यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। अगर आप इसके अपर वेरिएंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलेगा, तो अगर आप ड्रम वेरिएंट ले रहे हो तो उसकी प्राइस होगी 88,000 ऑन रोड मुंबई की बात कर रहा हूँ, और अगर आप डोंबिवली कल्याण से लोगे तो आपको 88,000 ही देखने को मिलेगा। आप जरूर ज्योति TVS में आके यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट्स ले सकते हो। अगर आप डिस्क वेरिएंट लोगे दैट वुड बी अ वेरी गुड चॉइस, वो आपको 92,000 के आसपास जाएगी। यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, ये देख लीजिए, एंड यहाँ पे आपको एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है। अब इस स्कूटर में आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है, तो जैसे ही आप अपना फ्रंट ब्रेक दबाते हो पीछे का ब्रेक भी एंगेज हो जाता है। चलिए साइड से देखते हैं इसका लुक। साइड से आप चेक करोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसके सीट्स पे। सीट्स आप देखोगे तो आपको चॉकलेटी ब्राउन कलर के सीट्स देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी वाइट सीट्स है, दो लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। सॉरी बारिश हो रही है, जिस वजह से थोड़ी आपको ऑडियो में शायद से दिक्कत आ सकती है, बट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसे शूट करने की। साइड में आपको Jupiter ZX की बैजिंग देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पे ये जो अंदर का कलर भी दिया है प्लास्टिक का, ये आपको ब्राउन कलर का देखने को मिलता है एंड इट लुक्स वेरी गुड कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड वेरिएंट। स्टैंडर्ड वेरिएंट में थोड़ा ब्लैक दिखता है, बट इसमें ये जो कलर है बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो आपको स्विचेस दिए गए हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के टैक्टाइल स्विचेस है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हॉर्न दिया गया है, हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हॉर्न उतना इफेक्टिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे आपको मिरर्स दिए गए हैं जिसकी विजिबिलिटी आपको मैं आगे जाके ज़रूर बताऊँगा वाइल राइडिंग दिस स्कूटर। यहाँ पे आप चेक करोगे इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड एनालॉग दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में दिया गया है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है स्पीडोमीटर, यहाँ पे इको एंड पावर के मोड्स दिए गए। इट्स नॉट अ मोड, जस्ट इंडिकेट करता है। अगर आप 30 to 40 to 50 के बीच में अगर चलाते हो तो इको मोड में चली जाती है, जैसे आप स्पीड अप करते हो अबव 50 ये पावर में चली जाती है। इको में आपको अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी, सारे टेलटेल लाइट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे इको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेट कर दे रहा है, ओडो दिया गया है एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा ग्लव बॉक्स भी देखने को मिलेगा, जो आई वुड से काफ़ी ज़्यादा डीप है, आराम से फ़ोन या वॉलेट रख सकते हो। एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, विच इज़ रियली गुड थिंग, लॉन्ग टूर पे जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। यहाँ पे एक हुक देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप अच्छे से अपनी सामान कैरी कर सकते हो, 15 से 20 किलो तक का सामान। यहाँ पे आपको एक ग्रैब रेल्स देखने को मिलते हैं जो मेटल के है, ये एनोडाइज्ड है एंड यहाँ पे आप चेक करोगे फ्यूल लीड दिया गया है जो आपको बाहर ही देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड टेल लाइट देखने को मिल जाएगा जो आपको हैलोजन में देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे भी आपको ये क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, लुक एट दिस, इट लुक्स वेरी प्रीमियम। साइड में आपको ZX की बैजिंग, जुपिटर ZX की मॉडल की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये जो पेंट क्वालिटी है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है, ओवर द टाइम ये फेड नहीं होने वाले, बहुत ही प्रीमियम कलर आई वुड से, ये बहुत ही शाइनी एंड प्रीमियम कलर लगता है मुझे। एंड यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक छोटी सी क्रोम की शील्ड दी गई है, ये देख लीजिए। एंड इसमें आपको 110cc का ही इंजन देखने को मिलता है। एंड पावर फिगर्स आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे ज़रूर छोड़ दूंगा, बट ऑन पेपर कुछ भी पावर हो उससे हम इसे जज नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली इसे चला के देखेंगे, आपको बताऊंगा कि कैसी है चलाने में। यहाँ पे हम चेक करेंगे इसे, जब आप दबाओगे एंड लेट्स सी, इसे दबा के आप राइट साइड में मूव करोगे तो पीछे के आपके ये फ्यूल लिड ओपन हो जाती है। इसे बंद करते हैं एंड जब आप इसे लेफ्ट साइड में पुश करोगे तो यहाँ से इसका अंडरनेथ स्पेस ओपन हो जाता है, फुल फेस का हेलमेट आराम से बैठ जाता है। यहाँ पे आपको एक OBD पोर्ट दिया गया है, कुछ इशू होगा अगर स्कूटर में तो इसे स्कैन करके रेक्टिफाई किया जा सकता है। एक इल्यूमिनेशन लाइट भी देखने को मिलती है, तो सारी प्रैक्टिकल फीचर्स इस स्कूटर में दिए गए हैं। एक फीचर लोडेड स्कूटर है एंड आई वुड से बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरियंट ये बन जाती है। चलिए अभी चला के देखते हैं इस पर्टिकुलर स्कूटर को और आपको बताता हूँ कि चलाने में कैसी है। यहाँ से आराम से उतरना पड़ेगा, ओके। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्कूटर के बारे में, चलाने में कैसी है। सबसे पहली बात मुझे इसमें आप एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट कलर इसमें टाइटेनियम ग्रे जो आता है, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड अभी बात करते हैं चलाने में कैसी है, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करेंगे पावर। तो ऑन पेपर आपको 7.37 BHP की पावर देखने को मिलती है एंड इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है ना वो आपको 8.4 न्यूटन मीटर्स का देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ में आपको इसमें फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो आपको 6 लीटर की मिलती है। और इसकी जो राइडिंग रेंज है, जो क्लेम राइडिंग रेंज है, अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास है, बट आई वुड से ये 250 किलोमीटर के आसपास जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड दिस स्कूटर। अब बेसिकली इसका जो माइलेज है सिटी में लगभग मैं कहूँगा 45 के आसपास आपको आएगा, 40-45 के आसपास ये वेरी करेगा। एंड ये हाईवे पे लगभग 50-55 के आसपास या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आप इसे इको पे चलाओगे, इको बेसिकली इट्स नॉट अ मोड, इको बेसिकली अगर 30-50 के बीच में कंसिस्टेंसली आप चलाते हो तो वहाँ पे आपका माइलेज शूट अप ज़रूर हो सकता है। एंड सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, इसके जो ब्रेक्स है ना दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इवन दो इट्स अ ड्रम वेरियंट, इसमें आपको CBS देखने को मिलता है, तो जब भी आप अपना फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हो पीछे का ब्रेक भी इजीली लग जाता है एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है इन वेट कंडीशंस, या फिर आप अगर एक ऐसे सडन ब्रेकिंग लगाना चाह रहे हो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। नाउ जैसे आपने देखा मैं रंबलर्स पे से गया, रंबलर्स पे से भी काफ़ी आसानी से निकल गई एंड ये स्कूटर बहुत ही ईजी टू राइड है एंड ये इसकी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा इजीली ग्लाइड कर जाता है ऑन रंबलर्स एज वेल एज ऑन द स्पीड ब्रेकर्स। अब इसका स्पीडोमीटर तो बंद है तो आप कंप्लेंट ज़रूर करोगे, बट ये एक टेस्ट राइड मोटरसाइकिल बेसिकली स्कूटर है जिसे हमें दिया गया है, तो इसका स्पीडोमीटर बंद ही होने वाला है, बट आप इसे चेक कर सकते हो। जैसी लाइट ग्रीन पे है तो वो इको पे चल रही है लगभग 50 स्पीड के आसपास, जैसी वो रेड हो जाती है वो 50 के अबव चल ही जाती है। एंड नाउ इफ़ यू कैन सी जो मिरर की विजिबिलिटी है वो डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा बेस्ट इन द सेगमेंट। यहाँ पे आई वुड से आफ्टर मार्केट मिरर लगवा लोगे या फिर एनटॉक का मिरर यहाँ पे लगवा लोगे तो वो आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। अब इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग मैं कहूँगा 80 के आसपास जाती है,
नॉट मोर देन दैट, एंड आपको इसे ओवरटेक करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं आने वाली है। आप आसानी से इसे कहीं पे भी ओवरटेक कर सकते हो, कहीं से भी गलियों में से निकाल सकते हो, और आपको जो एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे एक्सेलरेशन स्मूथ ज़रूर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिले मुझे लगता है जब आप एक्सेलेटर देते हो, जब आपको लगता है अब भी ये पिक करनी चाहिए, लाइक जैसे आप बाइक चलाते हो, जैसे आप सडन गियर शिफ्ट करते हो टू गेन स्पीड, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इंजन होने की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे मुझे लैग ज़रूर लगा है। आई डोंट नो वेदर ये सिर्फ पर्टिकुलर इसी स्कूटर में है या फिर कोई और भी स्कूटर में है, बट आई वुड से एक्सेलरेशन स्मूथ है, बहुत आसानी से खड्डों पे से ग्लाइड करके निकल जा रही है। ज़्यादा सॉफ्ट भी सस्पेंशन नहीं है, थोड़े स्टिफर साइड है, बट वो एक यूज़फुल हो जाता है जब आप इसे लॉन्ग टूर्स पे लेके जाते हो ना दोस्तों, वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। एंड स्पेशली मैं बात करूँगा इसका जो सीट कम्फर्ट है ना दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड सीट्स है, मुझे आसानी महसूस हो रही है, कोई ज़्यादा मुझे डिसकंफर्ट नहीं लग रहा है, एंड सीट की कुशनिंग भी बहुत बढ़िया है। एंड जब आप इसे इस तरीके से क्रूज़ करना चाहोगे, गाड़ी बहुत आसानी से भागती है, एंड ये ना अपना कंट्रोल जल्दी लूज़ नहीं करती। मैं कहूँगा बहुत ही स्टेबल स्कूटर है, विजिबिलिटी बहुत अच्छा है, ओवरटेकिंग करना इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर दिस। अगर आपको लग रहा है ऑन बोर्ड ऑन पेपर की इसके पावर्स उतने नहीं हैं, बट जब आप इसे रियल में चलाओगे तो आपको उसकी कमी महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि स्कूटर का वेट ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एंड फॉर सिटी कंडीशन, हाईवे कंडीशंस एंड सारी जगहों पे इससे आप लेकर जा सकते हो। मैंने स्पेशली देखा है बहुत सारे लोगों ने इस स्कूटर के साथ में लेह लद्दाख की ट्रिप की है, इवन ऑल ओवर इंडिया इस स्कूटर को लेकर गए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द माइलेज ऑफ द स्कूटर, जिसे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, एंड इसे जब मैंने प्रीवियसली ये स्कूटर को मैंने चलाया था, वहाँ पे मुझे लगभग 45 टू 50 के आसपास में माइलेज देखने को मिली थी। स्टॉपिंग पावर ऑफ द स्कूटर इज़ वेरी गुड, इसे ऐसे पतले से जगह में से निकालना कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। एंड स्पेशली मुझे इसका जो पेंट क्वालिटी है ना, बहुत ही बढ़िया लगा है, और ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, वेरी ईजी टू रीड है, वहाँ पे आपको इश्यूज नहीं होने वाले। एंड यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है, जैसे आप बैठते हो, मेरी हाइट 5.6 के आसपास है, अगर टॉल बंदा भी बैठेगा तो फुटबोर्ड पे जो आपको स्पेस देखने को मिलती है बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। स्कूटर इज वेरी स्मूथ टू राइड, बहुत ही मज़ा आ रहा है, एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड पिकअप भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी सोफा जितना चलाया है मैंने, यहाँ पे स्पीडोमीटर बंद है, बिकॉज ये मेरे को सिर्फ एक टेस्टिंग स्कूटर मिली है, जिस वजह से इसका स्पीडोमीटर यहाँ इन्होंने बंद करके दिया है। बट आई वुड से जो ऑन पेपर आपको पावर फिगर्स देखने को मिलते हैं उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्कूटर बहुत ही स्मूथ है चलाने में, एंड कंफर्ट तो बहुत बढ़िया है, स्पेशली इसके सीट्स में बोलूँ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, एंड ओवरटेक करना गलियों में से निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है, एंड स्पेशली इसके सस्पेंशन भी आई वुड से नॉट वेरी सॉफ्ट, बट थोड़े से स्टीप ज़रूर है, बट वो आपको लॉन्ग टूर पे जाने को ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जैसे कि देखा, एक मैंने बताया कि स्कूटर चलाने में कैसी है, बट इसका मैं एक डिटेल कंपैरिजन भी आपके लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा, जिसका मेन कंपटीशन है होंडा एक्टिवा, जिसे मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है बट कभी फिल्म नहीं किया है। तो जैसे मैं उसे शूट कर लूँगा, वो शूट करने के बाद एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे बिटवीन दीज टू स्कूटर्स, एंड वहाँ पे आपको एक आइडिया दूंगा कि कौन सी स्कूटर बेटर हो सकती है। राइट नाउ जब मैं ये स्कूटर चला रहा हूँ तो मुझे अभी तक कोई इश्यूज़ नहीं लगे हैं, थोड़े इश्यूज़ ये है इसका मिरर बेटर हो सकता है, थोड़ा वाइड मिरर हो सकता है, वहाँ पे मुझे एक लग रहा है थोड़ी सी एक्सेलरेशन में वहाँ पे मुझे हल्का सा लैग महसूस हो रहा है, आई थिंक वहाँ पे एक बेटर किया जा सकता है। बाकी सस्पेंशन बहुत अच्छे है, ओवरटेकिंग करना बहुत इजी है। एंड अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे कि इसका हेडलाइट थ्रो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है ही, एंड सीट कंफर्ट बढ़िया है ही, बट जब आप इसे दो लोग के साथ बैठते हो, थोड़े हैवी लोग बैठ जाते हैं, तब इसे पिकअप में हल्का सा इशू वहाँ पे महसूस होता है, बट आपको टॉर्क बहुत अच्छा देखने को मिलता है जब आप चढ़ान पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, वहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी चढ़ नहीं रही, गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी, थोड़ा सा आपको लगेगा पावर थोड़ी कम है, बट वो आपको सिटी कंडीशंस में एंड हाईवे कंडीशन में जब जहाँ पे लोग यूजुअली ज़्यादा चलाते हैं वहाँ पे इशू नहीं आने वाला है।
अभी काम करते हैं, सिटी में जाते हैं, वहाँ पे एक ख़राब रास्तों पे चला के देखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमको एक आइडिया आएगा कि सिटी राइड्स में खड्डों में से इसके सस्पेंशन कैसे काम करते हैं। नाउ लेट्स गो फ्रॉम हियर। जैसे कि आप देख सकते हो रोड्स उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े खड्डे वगैरह यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम सस्पेंशन, हमको एक क्लियर आइडिया आ सकता है कि ऐसे रास्तों पे कैसे चलेगी। अभी जैसे मैं इस रास्तों पे से जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड मैंने कम ज़रूर किया है, बट ऑब्वियसली आप कम करके ही चलाओगे। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँ, सस्पेंशन आई वुड से नॉट वेरी बैड एंड नॉट वेरी एक्सीलेंट ऑल्सो, बहुत ही अच्छे भी नहीं है, ठीक है, डिसेंट काम कर जा रहे हैं एंड उतने झटके महसूस नहीं कर रहे, ग्लाइड करके आराम से निकल जा रही है। आई वुड से हाईवे पे अच्छे रास्तों पे तो गाड़ी बहुत कमाल की है, ये रास्तों पे थोड़े से आपको बाउंसी फील ज़रूर होगा, गाड़ी थोड़ी उछल कूद करेगी। नाउ लेट्स गो फ्रॉम हियर। अभी हम हाईवे टच करेंगे, बात करूँ प्राइसिंग के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट एक और बार बता देता हूँ, 88,000 का इसका ड्रम वेरिएंट का प्राइस है। ऑन रोड मुंबई की बात कर रहा हूँ, ये प्राइस वेरी कर सकते हैं अगर आप इसे वेस्टर्न मुंबई से ले रहे हो, लाइक बांद्रा गोरेगांव उस साइड पे थोड़ी शूटअप ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे मुंबई बेसिकली डोंबिवली कल्याण में आपको थोड़े कम प्राइस देखने को मिलेंगे। और अगर आप ज्योति टीवीएस से लोगे तो आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी देखने को मिलेंगे, इफ़ यू आर गिविंग माई रिकमेंडेशन ओवर ईयर। एंड इसका डिस्क वेरियंट 91,000 से 92,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे एक क्लियर वर्डिक्ट देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, स्कूटर की प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, राइटलिंग नॉइस आपको नहीं आने वाले हैं, और स्पेशली इसका ZX वेरिएंट बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है। इसकी पेंट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, पैनल गैप्स एकदम इवन है, पावर फिगर्स भी बहुत अच्छा है। जब ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ में आप चलाओगे सिटी कंडीशंस में, हाईवे कंडीशन में, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी माइलेज दे देगी, ओवरटेक करने में ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है। इसके जो स्विचर की क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मुझे बहुत अच्छा विजिबल लग रहा है, कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। थोड़ा लैग आपको लगेगा जब आप इसे आप चलाओगे वाइल कंपेयरिंग विद द एक्टिवा, बट वो आपको एक कंपैरिजन में आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कैसी फील होने वाली है। ओवरऑल कहूँ तो एक फीचर लोडेड स्कूटर है। अगर आपको जुपिटर में अगर कोई वेरिएंट चूज़ ही करना है तो आप वहाँ पे ZX ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एक USB सॉकेट भी देखने को मिल जाता है और अंदर इल्यूमिनेशन लाइट भी देखने को मिल जाती है, विच इज़ रियली गुड थिंग। एंड ये ZX वेरिएंट एक बहुत ही बेस्ट वेरिएंट आई थिंक ये साबित हो जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा दोस्तों, अभी जाते हैं शोरूम की तरफ एंड वहाँ पे एंड करूंगा वीडियो। अब यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, इसके बाद म्यूजिक प्ले करूंगा जिससे आप व्यू को एंजॉय कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।